हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फिटनेस शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक्चुअली एक ही जो शेयर हमने कल की डेट में डिस्कस किया था उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, कल मैंने दो वीडियो डाले थे और बाय मिस्टेकली मेरी ऑडियो सही नहीं आई, जस्ट बिकॉज सम रीज़न। ओके, वो रीज़न को मैंने रेक्टिफाई कर लिया है। तो अगर बात करें इससे रिलेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, काफ़ी लोगों ने देखी भी थी और मेरे को काफ़ी उन लोगों ने कमेंट भी किए थे कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। तो मेरी मिस्टेक थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आई एम रियली अपोलोजाइज। एंड बात करें इससे रिलेटेड, मैं आपको नॉर्मल अच्छी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोबारा इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे जैसे आपको कोविड के केसेस राइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको पता है कोविड के केसेस दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती जा रही है, बेड्स की जरूरत पड़ती जा रही है। तो इसी के रीज़न से एक शेयर है जो अच्छा खासा भागा है और दो महीने में उसने 100% के रिटर्न, और पूरे साल की बात करें तो 250% के रिटर्न उस कंपनी ने दी है। मतलब उस कंपनी की किस्मत, एज अ फार्मा में काम करती है तो उसकी भी किस्मत चल गई है। तो बात करें, देखिए यहाँ पर रिलायंस हो गई, ONGC हो गई, BPCL हो गई, ये कंपनी क्या कर रही है, सॉरी BPCL की बात कर रहा हूँ, ये कंपनी क्या कर रही है, ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है टू द हॉस्पिटल्स। अंबानी सर की बात करें तो 100 टन ऑक्सीजन इन्होंने महाराष्ट्र या मुंबई में आई थिंक यहाँ देने का बात करी है। तो यही सारी की सारी न्यूज़ आ रही है। बट एक पर्टिकुलर शेयर और है जो कि क्या कहते हैं, अगर बात करें जो ऑक्सीजन के रिलेटेड काम करता है, उसका शेयर भागे जा रहा है, तो उसके रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। अगर बात करें यहाँ पर रिटर्न्स की, सबसे पहले आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, एक साल में 250% के, तीन महीने में, अगर दो महीने की बात करें 200% के रिटर्न, 10 साल में 500% के रिटर्न। तो आप समझ सकते हैं एक छोटी किसी मतलब मिड कैप कंपनी है जिसमें आपको गिरावट भी होती ज़्यादा नज़र आ रही है और भागता हुआ भी शेयर नज़र आता है। अगर बात करते हैं बोनस की, कंपनी देखिए राइट इशू काफ़ी बार लेके आई है, बोनस कंपनी काफ़ी बार लेके आई है, दो बार लेके आई है 1982-85 की, देख सकते हैं कितनी पुरानी कंपनी है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी देखिए डिविडेंड भी देती हुई नज़र आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर इन सभी पैरामीटर को देखते हैं, तो कंपनी का नाम भी देख लेते हैं, कंपनी कौन सी है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है लिंडे इंडिया लिमिटेड। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, पहले सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंडे इंडिया रैलीज एज कोविड वेव स्पर्स ऑक्सीजन डिमांड। तो जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कोविड के केस में ऑक्सीजन की डिमांड आती जा रही है, तो इस पर्टिकुलर शेयर में पंख लगे हुए हैं। तो अगर बात करें दो महीने में देखिए डबल कर दिए इन्होंने आपका पैसा। तो इसी कंपनी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, इसके फंडामेंटल हम चेक करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी इंजीनियरिंग हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल गैसेज ऑक्सीजन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई आ रही है। इस वजह से इस कंपनी में पड़ लगते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज और गिरावट काफ़ी है, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि गिरावट का भी सामना कभी भी करना पड़ सकता है। बट यहाँ पर अगर देखें कोविड के केसेस जैसे जैसे राइज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस कंपनी का शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है और कम से कम 4 गुना पैसा तो इसने अपने ड्यूरिंग दिस पैंडामिक कर दिया। अगर बात करें यहाँ पर दो महीने की, तो यहाँ देख सकते हैं फरवरी में जैसे जैसे केसेस बढ़े ये शेयर भी भागता हुआ नजर आया और पैसे को डबल कर दिया है। तो अगर यहाँ पर इसके और कुछ पैरामीटर देख लेते हैं, तो यहाँ 52 वीक लो 485 रुपये का 18 मई को शेयर था, 52 वीक हाई 1950 रुपये का 16 अप्रैल को शेयर था, और लगभग 48% की डिलीवरीज यहाँ पर उठाई गई है। और अगर और भी कुछ पैरामीटर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। मिड कैप कंपनी है, कभी भागती है तो बहुत तेज भागती है, गिरती है तो उसी तरीके से गिरती हुई नजर आती है। डेट कंपनी के पास ना के बराबर है, प्लेजिंग की बात करें 0% है, ROCE 10% है। तो यहाँ पर आप सब चीज़ देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कोविड आया, तो कोविड में इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने लग गए, कोविड से डिमांड अच्छी आने लग गई, तो सेल्स अच्छी होती रही। और अगर बात करें प्रॉफिट, तो देखिए प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ते हुए नजर आया। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस बार का है इनका, इस क्वार्टर का, दिसंबर का। अभी नेट प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 62 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में होता हुआ हमें नजर आया है। अगर यहां पर बात करते हैं ईयरली बेसिस, तो ईयरली बेसिस पे भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है कंपनी का, यहां पर आप देख सकते हैं। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट की सीधे ईयरली बेस पे, तो 53 करोड़ का प्रॉफिट आज की डेट में 156 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट में बैठा है, और इससे पहले 727 करोड़ रुपीस के यहां पर प्रॉफिट हुआ था अगर बात करें दिसंबर 2019 में। और इसके अलावा और भी चीजें देख लेते हैं रिजर्व्स की, तो कंपनी के पास 2,118 करोड़ के
रिजर्व्स है बोरोइंग, जैसे कि पता है कि नाक के बराबर बोरोइंग है 7 करोड़ की, इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और इसके अलावा और भी कुछ बातें करें तो कैश की बात करें 326 करोड़ रुपीस का कंपनी के पास कैश भी है। प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग है। FIIs ने देखिए अपनी सेल थोड़ी सी कम करी है तो 1.62%। DIIs भर के हैं यहाँ पर। पब्लिक की बात करें तो 11% की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक की है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप FIIs में भी यहाँ पर निपोन लाइफ जो हमारा नाम इंडिया के शेयर है उसने ही 9.68% की होल्डिंग यहाँ पर ले रखी है। तो कंपनी का शेयर देखिए अच्छा खासा भागता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो हमें अब करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको चार्ट पैटर्न से दिखा देना चाहता हूँ कि ये शेयर ओके ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ओके। और अगर आपको लगता है कि कोविड के केसेस और बढ़ते हुए नज़र आएंगे इंडिया में तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा डिमांड होगी, तो अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर आपको और भागता हुआ नज़र आएगा। बट अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इसमें देखिए बड़ी बड़ी गिरावट भी आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गिरावट होती हुई नज़र आई है, लगभग 40-50% की गिरावट इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर कोविड का असर है, कोविड की वजह से ये शेयर ज़्यादा चलता हुआ नजर आ रहा है, वरना बढ़ता हुआ कभी बढ़ता है फिर गिरता है फिर बढ़ता है फिर गिरता है, इस तरीके का ये शेयर आपको नजर आ रहा है। और फ्लैट और कंसोलिडेशन फेज में तो बहुत ज़्यादा गुजरता है, सालों साल गुजरता है, 3-3, 4-4 साल में। तो अगर ऐसे शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस कंसोलिडेशन फेज को एज वेल एज आप अपने पैसे को, रिस्क ज़्यादा है इसमें पहले बता देना चाहता हूँ, और रिवार्ड आपको बस इतना ही है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती जाएगी ओके, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ते जाएंगे तो ये शेयर भागता जाएगा। तो अपनी स्टडी में मैं कहने का मतलब क्या है, आप समझ चुके हैं कि अगर कोविड की वजह से ये शेयर चल रहा है और अगर आप कोविड पर दाव लगा के शेयर पर दाव लगा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें गिरावट के लिए भी, अच्छी अच्छी गिरावट के लिए तैयार रहना, इसमें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है इस शेयर में। और कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की हेल्प जरूर ले लीजिएगा, खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिएगा। जो मुझे लगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, बाकी कल वीडियो अच्छी नहीं बनी थी उसके लिए सॉरी अगेन, अभी इससे रिलेटेड मैंने वीडियो आपको बना के दे दी है। सो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।